सबको मेरी तरफ से हैप्पी लक्ष्मी पूजा। तो जो लोग बंगाली नहीं हो वो लोग सोच रहे होंगे इस टाइम को लक्ष्मी पूजा वो तो नॉर्मली दिवाली में होता है ना। तो हम लोग बंगाली हैं, आप सब तो जानते ही हो, हम लोगों में ना दुर्गा पूजा के कुछ ही दिनों के बाद माँ लक्ष्मी की आराधना होती है। तो मैं यहाँ पे लक्ष्मी पूजा के पिछले वाले दिन मेरे पोछे को इग्नोर करना पूरी तरीके से, इसको देखना भी मत, मतलब क्या करूँ अभी, सामने यही था मेरे और मैं बहुत आलसी हूँ आप सब तो जानते हो। तो इसी के लिए मैं यहाँ पे स्टिकर लगा रही हूँ। ये पहले दिन का था, मतलब दूसरे दिन लक्ष्मी पूजा था और मैं पहले से ये सब अरेंजमेंट करके रख रही हूँ। क्या पता क्या बोल रही हूँ, खैर छोड़िए, आप लोग बस वीडियो पर फोकस करो। ये स्टिकर जैसा होता है और बहुत ईजी होता है, तो हम लोगों ने यही किया था। इसके बाद क्या था, मैंने ये पहले ही करके रखा था क्योंकि लक्ष्मी पूजन के दिन ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता ये सब कुछ करने का। आप लोग ही देखो, मैं यहाँ पे नारियल को निकाल रही हूँ उसके, मतलब जो माली होता है वहाँ पे से, क्योंकि मम्मी को नाड़ू बनाना था। अब आप लोग सोचो कि नाड़ू क्या है, मतलब मैं आज जो बोलने वाली हूँ आधी चीज़ें आप लोगों के सर से ऊपर जाने वाली है, क्योंकि ये टोटली बंगाली डिश है। यहाँ पर बन रही है पूड़ी और बंगाली में कहे तो लुची, जो कि हम लोग माँ लक्ष्मी को चढ़ाने वाले हैं भोग में। लुची होगा, पायस होगा, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो पूरी और खीर होने वाली है। खैर यहाँ पे मम्मी नाड़ू बना रही है, देखो ये है नाड़ू। आप लोग क्या कहते हो कमेंट में बताओ मुझे। माँ लक्ष्मी को हम लोग सबसे पहले, जैसा कि मैंने भाई के टाइम पर कहा था, मतलब मेरे अंशु के टाइम पर कहा था, अंशु मतलब मेरा भाई, मेरा काजू, उसका रियल नाम अंशु है, उसको मैं प्यार से काजू बुलाती हूँ। पंचामृत स्नान जो कि है वो हर पूजा के पहले भगवान जी को करवाना पड़ता है और मम्मी यहाँ पे वही कर रही है। माँ लक्ष्मी को पंचामृत स्नान करवा रही है वो। और पीछे देखो, ये डेकोरेशन मेरी माँ ने कल रात को करके रखा था, मतलब लक्ष्मी पूजन के पहले वाले रात को डेकोरेशन करके रखा था, अभी बस माँ लक्ष्मी को बिठा रही है। बहुत अच्छे से, बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये सामने से। यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बहुत फीका फीका सा लग रहा है। यहाँ पर सबसे पहले मम्मी ने दूध, उसके बाद दही, घी, शहद, जो मैंने पहली बार कहा था वो सभी चीज़ों को पंचामृत कहते हैं, आप सब तो जानते ही हो। इसके बाद यहाँ पे मम्मी थोड़ी सी शक्कर भी दी है, ये देना पड़ता है। और साइड में काजू बैठा हुआ था, एक्चुअली काजू नहीं, मैं इसको अंशु ही बोलती हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ जाएगा। यहाँ पे फूल से स्नान करवाना हो गया। आखिर में होता है क्या बोलते हैं, पानी से, हाँ आखिर में पानी से मम्मी ने स्नान करवाया है। हम दोनों का उस दिन बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था, मतलब एक साइड पे जो भोग बनाना था वो, एक साइड पे माँ को रेडी करना था वो। और आप लोग देख ही रहे हो हमारी माँ लक्ष्मी जो कि है वो बहुत भरी नहीं है, बहुत छोटी सी है, बहुत प्यारी सी है। खैर आप लोग देखते रहो वीडियो को एंड तक, देखना कि मैंने लक्ष्मी पूजा कैसे मनाया। घर में होता है तो सोचा शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पे मम्मी बोरन कर रही है, क्योंकि जब कोई मेहमान आता है तो हम उसको बोरन करते हैं, तो हम लोग इनको बाहर से नहीं लेके आएंगे क्योंकि घर में रहती है, तो घर में ही थी। अभी यहाँ पे मम्मी बोरन कर रही है। इसके बाजू में देखो दो आउल्स है, वो माँ लक्ष्मी के वाहन हैं, आप लोगों ने तो देखा होगा और आप जानते भी होंगे। तो बोरन पर्व के बाद क्या होता है कि मैं बैठ गई थी फल बनाने, मतलब बहुत कुछ होता है इसमें ना, फल देने पड़ते हैं। ये ताल का फुफोर है, फिर से कहा ना, बंगालीज के अलावा कोई नहीं समझेगा ये क्या है। फिर नाड़ू मुड़की बहुत कुछ देना पड़ता है, मतलब कहते हैं ना कि हर पूजा का एक स्पेशल होता है, इस पूजा का ये स्पेशल है एक तरीके से। तो मैं यहाँ पे ये प्रिपरेशन कर रही हूँ और मम्मी यहाँ पे अभी आलपोना दे रही है। ये परमानेंट देना ही पड़ता है, कोई भी स्टिकर विकर यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे आलपोना आपको देना पड़ेगा वो घाट बिठाने के लिए। अभी देखो आप लोग, मम्मी ने घर रेडी करके रखा है, इधर सारा भोग का सामान भी रेडी हो चुका है। और मैं वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उस टाइम को ना वो उल्लू दे रहे थे हम लोग, रो रो करके जैसे देखते हैं ना वैसे उल्लू दे रहे थे, तो इसके लिए मैं कुछ बोल नहीं पाई। और पूरे वीडियो को ही मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि गाइस मैं बात नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर था इसके लिए। बाद में वॉइस ओवर देना मुझे इजी लगा। तो जैसे जैसे प्रोसेसिंग में घाट बिठाते हैं, मम्मी को पता है, मुझे नहीं पता। और मेरी मम्मी ने पता नहीं कितने मिन्नतों के बाद साड़ी पहनी है, सच में
मेरी माँ बहुत प्यारी लगती है साड़ी पहनने के बाद। यहाँ पे देखो धूप धुनो सब कुछ रेडी है और यहाँ पे माँ की पूजा हो रही है। बेसिकली कोजागोरी लक्की पूजा में हम लोगों को इसको शाम को करना पड़ता है, मतलब शाम के टाइम पे, दिन के टाइम पे नहीं, शाम के टाइम पे हम लोगों को ये करना पड़ता है। इसमें कोई भी घंटी या फिर काश, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब कोई भी आवाज़ नहीं करते शिवाय शाख के, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी जो की है ना वो डर जाती है। यहाँ पे आरती हो रही थी, आप लोग देखो पास से ना, मैं लेना भूल गई थी क्लिप्स, माफ़ कर देना गाइस। खैर जो भी है आप लोग यहीं से देखो, सबको देख लो, मम्मी को भी देख लो, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। और इस टाइम को पूजा करने के बाद, इस दिन हम लोग कोई चावल वावल नहीं खाते, तो यही सब कुछ प्रसाद प्रसाद यही सब कुछ खाते हैं। और ये रही इसके बाद पाचाली पर रही थी मम्मी। तो फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।